लाहौर में मीडिया से ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हमने 5 साल रेलवे की खिदमत की और उसे पांव पर खड़ा किया है, रेलवे की कारकर्दगी आप सबके सामने है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इस वक्त रेलवे पाकिस्तान का दूसरा बड़ा ऑनलाइन रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला महकमा बन चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हम रेलवे को अच्छा चलता छोड़कर जा रहे हैं आगे भी ऐसा चलता रहेगा। कारकर्दगी हमेशा बोलती है, उसको कालीन के नीचे भी नहीं छुपाया जा सकता और किसी और भी तरीके से मसनूई तरीके से भी या शो डाल के या प्रोपेगेंडा करके भी कारकर्दगी को समेटा नहीं जा सकता। और वो महकमा जो 18 अरब रुपए के रेवेन्यू पर खड़ा था, आज जब मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो वो 50 अरब रुपए के रेवेन्यू को टच कर रहा है, माशाल्लाह 32 अरब रुपए के रेवेन्यू का इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि पीएमएलएन को दोबारा मौका मिला तो रेलवे को अगले 5 साल में मजीद बेहतर करेंगे।